सब्सक्राइब कीजिए एबी गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं और आपका बहुत बहुत स्वागत हूँ एबी गुरुजी चैनल में और लेकर आप लोगों को नया टॉपिक। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कैपिटल वेस्टिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक के बारे में। दोस्तों, एनपीवी टेक्निक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है क्योंकि एग्जाम के अंदर इस टेक्निक से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आमतौर पर पूछे जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एनपीवी के बारे में इतनी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज दे दूंगा जिससे कि आपको पता लग जाए कि कैसे एनपीवी एक्चुअल में काम करता है और किस तरीके से वो पता लगाता है कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट कर देना चाहिए। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं किसी प्रोजेक्ट के में इनिशियल जो है आउटफ्लो हम करते हैं, उसके बाद आने वाले सालों में हमारे पास जो है इनफ्लोज आते हैं। ऐसे में दोस्तों, आने वाले सालों में इनफ्लोज आ रहे हैं और आज हम किसी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इनफ्लो की वैल्यूज को टोटल करके आज के आउटफ्लो से अगर कंपेयर किया जाए तो दोस्तों ये अनजस्टिफाई बात हो जाती है। क्योंकि दोस्तों, आने वाले टाइम में 1 रुपए की वैल्यू जो है वो 1 रुपए ना रहकर वो बढ़ या घट सकती है। दोस्तों, यहां मैंने एक सिंपल सी क्वेरी लिखी है जिससे आप एनपीवी के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकेंगे। दोस्तों, एक प्रोजेक्ट है जिसमें 1 लाख रुपए के आउटफ्लो की जरूरत है और जो उस प्रोजेक्ट से इनफ्लो होगा वो पहले साल में 40,000 रुपया होगा, दूसरे साल में 55,000 रुपया होगा, तीसरे साल में 60,000 रुपया होगा और तीसरे साल में प्रोजेक्ट पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और उस प्रोजेक्ट के स्क्रैप से 10,000 रुपये वैल्यू मिलेगी। तो दोस्तों, ये है इनफ्लोस की जानकारी। और दोस्तों, साथ ही साथ जो आउटफ्लो हम करेंगे उसके कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 10%। दोस्तों, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का आप सिंपल सा मतलब यही समझिए कि 1 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट करते हैं और 1 लाख रुपए का अगर लोन लेते हैं तो उस 1 लाख रुपए के लोन पर 10% इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। दोस्तों, एक तरीका तो एनपीवी का है जिससे दोस्तों नेट प्रेजेंट वैल्यू इन इनफ्लोज के निकाली जाती है और पता लगाया जाता है कि ये प्रोजेक्ट वायबल है या नहीं। दूसरा तरीका ये है दोस्तों कि 1 लाख रुपए अगर हमने लोन लिए हैं तो उनपे लोन के अमाउंट पर इंटरेस्ट कितना लगेगा, फिर इनफ्लो कितना आएगा, उसको घटा दिया जाए और इस तरीके से वैल्यूज को घटा घटा के लास्ट में देखा जाता है कि लास्ट में पॉजिटिव अमाउंट बचती है नहीं। तो दोस्तों, हमें तो एनपीवी के तरीके से करना है तो मैं आपको उस तरीके का बता देता हूं कि एनपीवी के अंदर किस तरीके से इस प्रोजेक्ट की वायबिलिटी को देखा जाता है। दोस्तों, पहले साल में हमें 40,000 रुपए प्रोजेक्ट से मिलेंगे तो मैंने यहाँ 40,000 लिख दिए, दूसरे साल में 55,000 मिलेंगे तो मैंने 55,000 लिख दिए, तीसरे साल में 60,000 मिलेंगे लेकिन साथ ही साथ स्क्रैप के 10,000 रुपए भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों, यहां मैंने 60 और 10 के टोटल को 70,000 रुपए को यहाँ लिख दिया। अब दोस्तों, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या चीज है? अगर दोस्तों 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, इसका मतलब ये कि अगर मैं आज बैंक के अंदर 1 रुपया जमा करवाता हूं तो 1 साल के बाद मेरे बैंक के अंदर 1 रुपया 10 पैसे हो जाएंगे। ऐसे में दोस्तों, ये जो 40,000 है वो 1 रुपया 10 पैसे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब दोस्तों, 1 साल के बाद 1 रुपया 10 पैसे हैं तो मुझे कैसे पता लगेगा कि वो इनिशियली कितने रुपए थे? ऐसे में 1 रुपए को अगर 1.1 से डिवाइड कर दिया जाए तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 0.909 आएगी। उसके बाद दोस्तों, अगर वापस इज इक्वल टू का साइन दबा दें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 0.826 आएगी। उसके बाद अगर वापस इज इक्वल टू का साइन दबा दें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 0.751 आ जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है जो कि 1 साल के बाद में, 2 साल के बाद में, 3 साल के बाद में जो वैल्यूज आएगी उन वैल्यूज को आज के दिन में उसकी क्या वैल्यू है उसको कैलकुलेट करवाने में जो मदद करती है वो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर होता है। ऐसे में दोस्तों, पहले साल के एंड में हमारे पास 40,000 रुपए आएंगे तो उसकी आज की वैल्यू 36,360 रुपए है, 55,000 रुपए दूसरे साल के एंड में आएंगे तो उसकी आज की वैल्यू 45,430 रुपए है, तीसरे साल के एंड में 70,000 रुपए आएंगे तो उसकी आज की वैल्यू 52,570 रुपए है। इस तरीके से दोस्तों, इन तीनों का अगर टोटल लगा लिया जाए तो हमारे पास जो टोटल वैल्यू आज की आएगी वो 1,34,360 रुपए आएगी। अब उसमें से दोस्तों, जो आज हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो 1 लाख रुपए कर रहे हैं तो हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो पॉजिटिव आ जाएगी 34,360 रुपए। दोस्तों, इसका सीधा सा मतलब ये है कि आज हम इन्वेस्ट कर रहे हैं 1 लाख रुपए और आज की वैल्यू हमें जो इनफ्लोज में मिलेगी वो 1,34,360 मिलेगी। दोस्तों, ये पॉजिटिव वैल्यू आती है। ऐसे में दोस्तों, अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अगर दोस्तों यही वैल्यू जो है वो
1 लाख से कम आती तो यहां वैल्यू नेगेटिव में आ जाती और एनपीवी नेगेटिव हो जाता। अगर दोस्तों एनपीवी नेगेटिव हो जाता है तो प्रोजेक्ट को हम रिजेक्ट कर देते हैं। अगर दोस्तों यहां वैल्यू 1 लाख ही आ जाती तो हमारा आउटफ्लो भी 1 लाख रुपए ही है तो यहाँ जीरो आ जाता। तो अगर दोस्तों यहाँ जीरो आ जाता तो वो मार्केट की सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। अगर मार्केट की सिचुएशंस ऐसी है जिसमें इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना ही फेवरेबल रहेगा तो वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि उस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए। दोस्तों तो ये तो हो गया एनपीवी के तरीके से। दोस्तों हम इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं जिसमें दोस्तों मैंने सेम एग्जांपल यहाँ उठाया है। 1 लाख रुपए के प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए अगर 1 लाख रुपए का लोन लिया जाता तो ये सिचुएशन किस तरीके से हैंडल होती। दोस्तों 1 लाख रुपए का लोन लिया और पहले साल में 10% इंटरेस्ट के हिसाब से 10,000 रुपये उस पर इंटरेस्ट दे दिया तो जो टोटल लोन है वो 1,10,000 रुपये का हो गया। लेकिन प्रोजेक्ट से पहले साल हमें 40,000 रुपये मिल रहे हैं तो 1,10,000 रुपये में से 40,000 रुपये की हम पेमेंट कर देंगे तो ऐसे में पहले साल के एंड में हमारे पास जो लोन बच जाएगा वो 70,000 रुपये का बच जाएगा। वही 70,000 दूसरे साल की शुरुआत में चला जाएगा और दूसरे साल में भी 10% इंटरेस्ट के हिसाब से 7,000 रुपये लग जाएगा और 77,000 रुपये का टोटल लोन की अमाउंट हमारे पास रह जाएगी। उसके बाद दोस्तों इस पे 55,000 रुपये का इनफ्लो हमें मिलेगा तो जो लोन की अमाउंट है उसे रिपेमेंट कर देंगे और जो हमारे पास दूसरे साल के एंड में लोन की अमाउंट रह जाएगी वो 22,000 रुपये रह जाएगी जो कि तीसरे साल की शुरुआत में चली जाएगी। उस 22,000 पर फिर 10% इंटरेस्ट हम देंगे और 2,200 रुपये इंटरेस्ट के हिसाब से 24,200 रुपये का टोटल हमारा लोन का अमाउंट रह जाएगा। लेकिन तीसरे साल के एंड में हमें 60,000 रुपये तो प्रोजेक्ट से मिलेंगे और 10,000 रुपये स्क्रैप के मिलेंगे तो तीसरे साल में टोटल मिला के हमें 70,000 रुपये मिलेंगे और हमारा लोन है 24,200 का तो हमारे पास जो एडिशनल बैलेंस इनफ्लो का रह जाएगा वो है 45,800 का। अब दोस्तों 45,800 रुपये जो हमें मिलेंगे वो तीसरे साल में मिलेंगे। ऐसे में तीसरे साल में 45,800 अगर मिलते हैं तो उसका आज के दिन में क्या वैल्यू होगी उसे हमें कंप्यूट करना पड़ेगा और उसे कंप्यूट करने के लिए तीसरे साल के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। और दोस्तों प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% रेट के हिसाब से 0.751 आता है। 45,800 को इससे सिंपली मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई 34,396 जो कि लगभग लगभग मैच करती है जैसा कि मैंने आपको पहले वाले तरीके में बताया था। तो दोस्तों इस तरीके से आपको मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि क्या वास्तव में नेट प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट होता है। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको बताया एनपीवी के बारे में जिसमें दोस्तों डायरेक्ट मेथड से आपको इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने में मदद मिली होगी। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया तो दोस्तों कर दीजिए लाइक, कर दीजिए शेयर अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।